ये भाई रेड हल्क से मिलो, और जो मैंने इसके लिए सामान लाया था वो आपको दिखा देता हूँ। और इतना चौड़ा नट तक आप इससे खोल सकते हो। हेलो भाई, मैं विवेक, और आज मैंने फिर से अपनी गोली ले ली और आज सुबह से फिर से हम निकल गए। अभी कहाँ जा रहे हैं वो मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। ज़रा यू लॉक खुल जाए, एक मिनट खुल रहो, ये ठंड में चिपक गई। अच्छा तुम इधर बैठा, बाकी मैं दूसरी साइड उधर बैठ। तो हम जा रहे हैं भाई यहाँ पे भोपाल में जो कबाड़ खाना है, भोपाल का कबाड़ खाना वो मेन चीज़ है, उसको देखे बिना हम घर नहीं जाएंगे। इसके चक्कर में हम आज रात को रुके, अब हम जा रहे हैं सीधे भोपाल का। बस आज निकलने वाले, यो देखो सबके फोन आ रहे हैं तुम कहाँ हो, तो आज हम निकल लेंगे। वो सुनू वहाँ साइड लखन भैया बैठा था, कितनी सोप बुर गई, उनने सोप तक नहीं छोड़ रहा, वो देख ले सोप ही सोप, इतनी सोप मोटी सोप खा रहे। भाई सारी टीम खतरनाक से गाने लगा के निकल चुकी है कबाड़ खाने की तरफ, और मैंने अपना गमछा ले लिया है ताकि छाती के लगे रहिए। क्या क्या बोल रहा हूँ भगवान है कृष्ण। कबाड़ खाने की तरफ, तबाड़ खाने की तरफ, सारी टीम तो 8-10 गाड़ी। तो टीम में 3-4 मिली टीम में नहीं रहते गा, है? कबाड़ खाना का रास्ता भाई हम ढूंढ ढूंढ के हम कबाड़ हो गए, पर हमें कबाड़ ना मिल रहा है क्योंकि हमारे साथ इतने सारे कबाड़ हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ पार्किंग मिली, वो भी 30 रुपये में। बताओ गाड़ी खड़ी करने के 30 रुपये ले रही है। अब देखते हैं कहाँ क्या चीज़ लेना। इधर भी ट्रैक्टर का सामान, विश्वकर्मा मशीनरी, पहले एक बारी मैं देख के आता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। गाड़ी स्टार्ट कर। यहाँ पे भाई भोपाल में मिलता सामान ही सामान, जैसे इंदौर में तुमको दिखा था ना सामान वाला एरिया, ऐसे ही है। पंप टंकी टुंकी जो मर्जी सब ले लो। ये मनु पंप के पास खड़ा, कम में पंप पंचर की दुकान नहीं खोलना इसलिए नहीं लेते। बाकी गन्ना की मशीन ली सका तू, गन्ना लगाओ और काम खत्म। बहुत सारी चीज देखी यहाँ से, मतलब इतनी सारी चीजें मत पूछो। अब हम कबाड़ मार्केट में जा रहे हैं, नए नए चीज भी देखे दिखो मुझे देखो, लेकिन यहाँ भीड़ इतनी है। हाँ मोबाइल भी उड़ा ले जा सकते हैं, कहाँ पाना ये ना पाना। ये एक सामान लिया भाई अपन ने अपने ट्रैक्टरों के लिए, बहुत भारी। इसके ऊपर तुम्हें कुत्ता दिख रहा होगा लेकिन इसके अंदर सामान दूसरा है जो मैं दिखाऊंगा तुम्हें घर जाके। अभी और देखते हैं क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं। हो जा लॉक, हो गई। यहाँ भाई बहुत सारा सामान है। सोनू ये है कहाँ की जगह? भोपाल में है, ओल्ड भोपाल में। भाई बहुत 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 चीजें हैं यहाँ, कबाड़ खाना भी ट्रैक्टर वाला। फिर वो कबाड़ खाने तक तो भाई हम पहुंच नहीं पाए क्योंकि वो बहुत दूर था और यहाँ गाड़ी खड़ी करने की बड़ी दिक्कत है, इसलिए मैंने कहा चलो अभी कुछ लेना भी नहीं है तो बाद में चलेंगे वहाँ पे। अभी निकलते भाई घर की तरफ, खाना वाना खाते हैं, देखते हैं और फिर निकल लेंगे हम आज घर। बहुत हो गई भाई हमारी, एक टूल किट तो ले ली फिर भी नहीं करते। A few moments later. ये है कबाड़ खाने वाला मार्केट, मतलब हम जाने तो घर वाले थे लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं माना तो हम इधर आए। यहाँ पे टायर दिख रहा है, इंजन अपना 735 का, वो पीछे दिख रहा है महिंद्रा महिंद्रा टूटा रखा, ये यहाँ से लिया था भाई हमने 735 का इंजन। आप मेरे को ये बताए लगन भाई कि आप अपन घर चले या फिर कबाड़ में घूमे हो, मतलब हमें चाहिए तो कुछ नहीं लेकिन फिर भी हम चीजें देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें मिल सकती है ट्रैक्टरों की पुरानी, अगर मान लो नई अपनी खराब हो गई, कोई ऐसा हिस्सा खराब हो गया जैसे इंजन। ये अपन शोरूम से ले नहीं सकते, इतना महंगा देंगे कि दिमाग आपका जगह से हिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे काम आता है कबाड़ मार्केट। यहाँ पे आपको कम चले हुए ट्रैक्टरों का सामान मिल जाता है। अपन आगे चले पीछे, ये पीछे वाले पे तो नहीं चल रहे, रुकते नहीं, देख के निकल जाते हैं। भाई साहब ये बोल रहे देख के निकल जाओ, रुको मत, एसी चल रही पर ब्लोअर तो बंद ही थे। यहाँ पे देखो ये पुराने ब्लोअर खतरनाक वाले, कबाड़ ही कबाड़, इधर भी कबाड़, वो टायर दिख रहे वहाँ भी कबाड़, इतना कबाड़ कि मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे साथ गाड़ी में कुछ नहीं है, जो भी है वो बाहर ही है। यहाँ पे कोई कबाड़ नहीं है, देखो टायर टायर दिख रहा, मतलब यहाँ जीप को सामान भी मिल जाए। अगर आपको जीप का मार्केट चाहिए तो जीप का पर्टिकुलर है। लेक व्यू देख रहे हो, पानी पानी, और पूरे 500 रुपए का चालान कटवा के, क्योंकि इधर आए और चालान ना कटवाए तो फिर क्या किया है, चालान तो कटवाना पड़ेगा, नहीं वो पानी देखने के चक्कर में भाई हमारा चालान कट गया। यो वाला पानी, सिर्फ यो पानी देखने में चालान कट गया 500 रुपए का, यो वाला बड़ा मेरे को बुरा लगा। और यो देखो झील सी तेरी आंखें, इन आंखों में सपना सुनहरा, यहाँ बहुत पुलिस खड़े, कैमरा नीचे कर लो, ये तो लपक के चालानी कार्रवाई चल रही भाई है। अपना हरदा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। इस नजारे के लिए यो दिख रहा ना, यो पानी देखना हमें 500 में पड़ा, बताओ पानी देखने आ रहे थे
उसके बाद हमारा चालान कट गया। कोशिश तो यही है पूरी की पूरी भाई साहब। यो घर बहुत प्यारा लग रहा है यार, ये तो ये वाला बहुत प्यारा घर। और इनको भूख लग रही है, पानी तलाव तो देख ले, खाना तो फिर ही चाय की टपरी है यार, वहाँ पे चाय पियेंगे मस्त। यहाँ पे भाई हम लेक थोड़ा बहुत देख के चला गए, बाकी यहाँ के कुछ मेरे को ऐसा क्या ही, यहाँ की भोपाल की फेमस गाली चल रही थी, बदमाशी चल रही थी भैया, बदमाशी चल रही थी। कहाँ से बोटिंग हुई रही? यहाँ से। यहाँ से बोट कर दो। बोट कहाँ? तो उतार दे गाड़ी का, बोट का पास ही सर। बोट कर दो कांग्रेस, ये गाड़ी लगी नहीं यहाँ से। ये देखो ये बोट, देखो भाई बोट, यो देखो बोट है, बोट ही बोट। छिपकली उनके दिख रही, बोट क्यों नहीं दिख रही? बोट अब दिख गई, ये देखो बोट, इतनी सारी बोट। अब हमें लग रही भूख, इसलिए हम इसको नहीं देख रहे, हम जा रहे घर। घर तो नहीं मतलब, जहाँ भी हमें मिल जाए खाने को। पेलम पट्टी शुरुआत हो चुकी है, अभी सारा आइटम आता जाएगा और ये राक्षस खाते जाएंगे। ब्लॉग बने रहो, कि कोई ध्यान नहीं है तुम्हारा इधर। एक आइटम खत्म किया पूरा साफ, अब दूसरा आया। एक और आदमी हमारा नहीं आया, अभी एक और आया, वो लेने गया मचकाओ। देखो क्या पार करिए, वो तो अच्छा है कि हैंड ब्रेक बढ़िया है, क्योंकि कल ही सर्विस सही नहीं तो ये तो रोड पे खड़ी हो जाती। और हमारे भाई भाई अभी खींचे जा रहे खाना, खींचे जा रहे। मैं तो आ गया, मन का भाई अपने से तो नहीं बैठे जाएगा इतनी भीड़ में, तो मैं आ गया भाई बाहर। यार लखन भी यही गाड़ी तो चलाएगा, मैं तो दूसरी साइड बैठूंगा बढ़िया मस्त, मैं तो नहीं चलाऊंगा गाड़ी गुड़ी। इसको सब खींचते जा रहे, फिर लखन भी अपनी तारीफ कर रहा है कि जो मैंने बनाई थी वो ज़्यादा टेस्टी थी। वैसे उतनी मज़ा देखो मेरे को भी नहीं आ रहा, बट जो लखन भैया ने बनाई थी ना वो बड़ी बढ़िया थी। यह कितना की एक सुनो? 80 की है, 300 तेरी। 3 hours later. कितने बज गए यार, कब के निकलने वाले? ये भी स्विच ऑफ हो गई, 4:30, 4:30, 1 मिनट। निकल गया तो छोड़ के ही चल दिया, 4:50 हो गई और हमारी गाड़ी जाने के लिए तैयार। ये दोनों भाई ब्लॉग में दिखे इतने ही दिन, मिलेंगे अब इनसे अपन 10-15 दिन बाद। ठीक भाई सोनू, ओके। आपको कैसा लगा 2-3 दिन हम आपके शहर में रहे, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अभी हम जा रहे हैं, आपको काफी बुरा लग रहा होगा कि नहीं लग रहा? लग रहा है ना। अब हम भाई निकल लिए घर, हाँ तो रोज हो नहीं अब बट वही काम है। चलो हम निकल लिए। चलो सामान तो में रखे। अरे थारो देख लीजिए, जूता वूता अगर तूने में छोड़ा हो तो निकाल ले सब अभी भी, नहीं तो हम जा रहे हैं। अरे तो जाना यार भाई, यार तो परेशान कर रहे हैं। मिलेंगे थोड़ी देर बाद। इंसान का बड़ा रात में मैप देखते हुए भटकते भटकाते हैं, दो बालक जा रहे हैं अपने घर। रास्ता भटक जाए बार बार सामने भाई साहब, यो हमको ले जा रहे हैं, बोले तुम्हें छोड़ देंगे हम छिपानेर और आपके उधर का रास्ता हरदा जिला का बता देंगे। इनका बढ़िया है यार, छोड़ दो तुम भी, सुनसान सड़क देखो पतली से और उसमें भी इतने बड़े बड़े गड्ढे, गड्ढे बचाने के चक्कर में तो हम इधर से आए और इधर भी गड्ढे। जिंदगी में गड्ढा गड्ढा हो गया, सौ बात की एक बात ही है। हमें पहले गूगल ने उलझाया, अब यो भाई पता नहीं कहाँ कहाँ इतनी सारी गलियों में से हमें निकाल दिया कि हमारा तो दिमाग गायब होगा। ये देखो अब इधर घूमा, इतना घुमाया इतना घुमाया, फिर इधर लखन भी यो कहाँ, पूरा गांव के चक्कर दिलवा दिए, जो भी गांव है नहीं जो पूरा घूम लियो अपन ने, अजीब सा गांव। भाई अपने हरदा में पहुंच गए, इसने लाइट क्यों ऑटोमेटिक बंद कर दिया यार, इसका टाइमर पूरा हो गया, क्योंकि चाबी नहीं है ना मेरे पास, चाबी लखन भैया ले गए पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने गए। बाकी आ गए भाई हरदा, अब मिलता हूँ भाई आपसे सीधा कल सुबह, यहाँ से 35 किलोमीटर है अपना घर, अब 30-35 किलोमीटर पहुँचते वहाँ, फिर मिलते हैं भाई सीधा आपसे सुबह। The next day. लो भाई साहब पहुँच गए स्वर्ग में, और यो रानी में देखो नीचे लाइट लगा ना बढ़िया वाले,
इनके अंदर भाई 1800 की तो लाइट है, क्योंकि इसके अंदर हमने डाल दी एलईडी। इसके अंदर जो ओरिजिनल बल्ब था वो निकलवा दिया, देख लो एलईडी। और ये ऊपर का जो इसका कवर है ये भी है भाई, ये देखो यूनोमिंडा। तो ये टोटल अपने को पड़ गए 3100 रुपए के हैं ये। और एक साल की वारंटी भी है, फुल वारंटी। अगर ये लाइट ख़राब होता है तो रिप्लेस होकर अपने को नया मिल जाएगा। बाकी गाड़ी इन्होंने चमका दी थी लेकिन फिर ही गंदी हो गई। अब जब भाई इतना पैसा लगाया इसको अच्छी बढ़िया मैंने धुला के लाया, देखो मैंने कपड़ा नहीं मिला, मैंने अपना शर्ट ही लिया। मैंने कहा सही पूछूंगा लेकिन तेरे को पूछूंगा। और यहाँ पे एक बम्फर टूटा था, ये उनने कर दिया नट कस के और मेरा फोर्ड का लोगो लगा दिया। बाकी अंदर से तो तुम्हें दिखाई दी। और बहुत सारे पूछ रहे थे इसमें कितना पैसा लग गया। इसमें भाई 7000 रुपये तो इसकी सर्विस के लग गए, जिसमें कुछ नहीं हुआ। इसमें मात्र ऑयल फिल्टर, एसी फिल्टर, यही चीज़ चेंज हुई। बाकी फिर ये तो सारा सिस्टम तो अपन ने अलग से लगवाया। एक ये लगाया 1,00,000, एक ये लगाया और एक आर्मरेस्ट भी लगाया जो अपने को पड़ा 900 रुपये में पूरे डिस्काउंट करने के बाद। नहीं तो 1100 बोल रहे थे, बट है एक नंबर प्रीमियम। इससे हल्की क्वालिटी भी थी लेकिन मैंने कहा जब लगवा रहे हैं तो बढ़िया वाला। इसमें आप कुछ रख भी सकते हो, यहाँ पे ये बॉटल रख सकते हो। मस्त हो गई एकदम झकाझक। अब बस इसको साफ़ करना है, क्योंकि वहाँ से तो ये साफ़ थी लेकिन घर आते आते गाड़ी घोड़ा बन गई, बोल सकते हो गाड़ी घोड़ा बन गई। सब सामान सफाई कर दें और फिर इसको खड़ी करते हैं सबसे लास्ट में, क्योंकि वो वहाँ से अपना राजा निकलेगा इधर आगे। अभी मैंने क्या बोला था कि मैं इनको ऐसे खड़ा करके जाऊँगा ना, ये देखो बेचारा तब से वही सेम जगह यहीं खड़ा है। आय हाय धूल जम गई तेरे ऊपर। और साथ में इसको भी किसी ने इधर लाके खड़ी कर दी, रानी को। चाबी भी नहीं है, इसको मैं बाहर छोड़ के गया था लेकिन ये भी आ गई। अभी इन दोनों को निकालेंगे अपन बाहर। और ये बेचारा काम वाला छोरा है, ये देखो ये तो काम करता रहे। फटाफट इसको निकाल के साफ करता हूँ। और जो मैंने लाया था वहाँ से भोपाल से सामान वो भी दिखाऊंगा तुम्हें। टूल किट पाने वाली पाना लाया, पाना अपने पास छोटी टूल किट तो थी लेकिन अब के बाद मैंने बड़ी लाया, जिससे कोई सा भी आप ट्रैक्टर का नट खोल सकते हो, कोई सा भी 32 नंबर तक का। ये भाई रेड हल्क से मिलो। और जो मैंने इसके लिए सामान लाया था वो आपको दिखा देता हूँ। वो था भाई ये टूल किट, देख रहे हो कितनी प्यारी है। अब मेरे पास क्या भाई, पहले एक छोटी वाली थी, ये वाली दिखने में सेम है। ये इसका प्राइस बताऊँ तो भाई 800 रुपये समथिंग में ये मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी निकली, मतलब मेरे को कभी इसमें दिक्कत आई नहीं, ना कभी इसकी कोई सी गोटी खराब हुई। ये किस काम में आती है छोटी वाली, जैसे आपको भाई हॉर्न कसना है, लाइट कसना है, इनमें भाई खुली रहने दे, इनमें ये एक नंबर चीज़ है। तो राधेश्याम बताइए कैसी लगी तेरे को नई वाली टूल किट? बढ़िया है, एक नंबर है, कहीं भी खोल सके ना अब अपन, कोई दिक्कत नहीं। ट्रैक्टर को अपन कभी भी खोल सकते हैं। तो ये वाली भाई इनमें काम आती थी और इनमें ये वाले पाने, मतलब हर प्रकार की चीजें थी। बस मेरे को दिक्कत आ रही थी भाई बड़े पाने, जैसे इसके टायर के नट खोलना है यो वाले आ गए, पीछे वाले मोटे मोटे नट खोलना है, यू पाइप खोलना है, तो भाई मेरे को किसी से पाने लेने पड़ते थे बीजे भैया से। मतलब लूना खुल जाती है इसका कहने का मतलब। बाकी ये देखो ये सबसे बड़ा 32 नंबर, इसमें 14 से 32 नंबर तक का पाना है। अभी मेरे पास भाई, हाँ ठीक है, इतना बड़ा पाना ही नहीं था कि इसमें कहीं लग जाइए। देखो है मस्त चीज, एक नंबर आगे का भी, मतलब पूरी चीज मैं खोल सकता हूँ। अगर आपको भी भाई ऐसा शौक है कि अपने ट्रैक्टर में अपन खुद से, देखो ज़्यादा काम तो भाई इसमें कर नहीं सकते लेकिन जो जो अपने को आता है, अगर आप चाहते हो कि भाई मैं खुद करूँ, क्योंकि अपना मजा है, मतलब जिसको शौक है उसी को मजा आएगा, जिसको शौक नहीं है उसके काम की चीज़ नहीं है। शौकिया बंदे के लिए बढ़िया चीज़ है। और इसके साथ मैंने एक और चीज़ लाया था, ये वाली रॉड, ये 400 रुपये की लेकिन भाई फुल है भी है। इसके बिना भाई इनका कोई मज़ा नहीं था। अब इसको ऐसे तो लगेगी नहीं, यो ऐसे लगेगी यो। और यहाँ पे आप कोई दूसरी चीज़ लगा लो और इतना चौड़ा नट तक आप इससे खोल सकते हो। मस्त चीज़ है भाई, मज़ा आ गया ये ऐसे करके ऐसे। बाकी इसके लिए व्हील पाना ज़्यादा बेस्ट है यो, लेकिन फिर भी अपने पास है तो कभी इमरजेंसी में खोलना हुआ तो। मेरे को बहुत बढ़िया लगी, इसकी प्राइस भाई 2000 रुपये समथिंग में मिल जाएगी और ये 400 रुपये में। इसमें आप बहुत सारे बोलेंगे भाई ओरिजिनल लेना था, वो कौन सी तापड़िया फापड़िया। देखो मैं इसको रोज़ तो खोलता नहीं, तुम्हें ही पता है, कभी कभार अपने को खोलना है। ये अपने को 2000 में मिली, वो 1000 रुपये ज़्यादा में मिलती। और अगर मैं, मेरे पास वो वाली नहीं होती ना, वो भी CRB की, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आई। जब उसमें दिक्कत ही नहीं आई तो मैंने कहा भाई 1000 रुपये फंसा के क्या मतलब। और एक बात बताता हूँ, मान लो जैसे एक गोटी आपकी कोई सी इसमें से ख़राब हो गई तो आप इसको चेंज कर सकते हो, 60-70 रुपये में मिल जाएगी। तो क्या ही मतलब, अपने को ऐसे शौक से चाहिए था, वो शौक अपनी ये पूरा कर देगी। और मेरे हिसाब से भाई इसका कुछ बिगड़ना नहीं है, क्योंकि काफ़ी हैवी पाना है ये भी।
ये देखो मस्त है, मतलब मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी ख़राब होगा। बाकी भाई आज की इस वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हो कि आप आगे ब्लॉग में आप क्या देखना चाहते हो, राय तो दे दो। धन्यवाद जयराम जी की।